आपके अपने चैनल जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की पूरी। अरे आपने सोचा टमाटर का सूप बनता है, सब्जी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है टमाटर की। हमने पहले नमकीन भी बनाई हुई है, आपके साथ शेयर की है मैंने, और टमाटर की मिठाई भी बनाई है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन क्या पूरी बनाता है? जी हाँ, टमाटर की पूरियाँ भी बनती हैं और वो बहुत टेस्टी होती हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये एक दो कटोरी आटा, इसी कटोरी के नाप से दो कटोरी हमने ये रेगुलर आटा हमारा जिससे हम रोटी बनाते हैं वो लिया है, और आधी कटोरी हमने लिया है बेसन। नमक लिया स्वादानुसार, और ये हमने आधा चम्मच अजवाइन है, चौथाई चम्मच हमने लौंग कूट के लिया है, लौंग पाउडर, और ये है हल्दी, ये आधा चम्मच है, थोड़ी सी हींग है, और साथ में आधा चम्मच सॉल्ट पाउडर, और साथ में है ये सौंफ, ये भी हमने आधा चम्मच लिया है। और हम बना रहे टमाटर की पूड़ी, तो इसके लिए हमें चाहिएगा टमाटर। तो मैंने इसके लिए तीन टमाटर और तीन हरी मिर्च, ये आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप कम लेते हैं, कम तीखा खाते हैं तो कम करिए, ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा करिए। अब हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से रफली चॉप कर लेंगे। अभी हमारे टमाटर और मिर्च को हम लेना मिक्सी के जार में डाल देंगे, उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। अब ये देखिए इसमें अगर कभी आपका पूरा से नहीं होता है, कहीं कुछ रह जाता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ये वैसे ही बहुत अच्छा बनेगा। ये हमने परात ले ली, उसमें हमने लिया ये आटा, साथ में इसके जाएगा ये बेसन, और फिर इसमें जाएंगे हमारे सारे मसाले। हमें थोड़ा सा इसमें जगह कर देते हैं, ये सौंफ, हमारी सौंट, ये हींग, हल्दी, हल्दी से पता है टमाटर का कलर उठ के आता है, और ये अजवाइन, और साथ में ये लौंग, और अब ये हमारा नमक। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दें, और इसको हमने अच्छे से एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेना है, बस बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिर हमने इसमें थोड़ा सा स्पेस किया, अब इसमें हम डालेंगे मोयन, इसके लिए हमने ये एक चम्मच तेल डाला है, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मोयन पता है तभी ज़्यादा अच्छे से चीज़ को खस्ता बनाता है जबकि हम उसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। कई बार होता है ना, तो मोयन डाला और साथ साथ पानी भी डाल दिया और कर दिया, नहीं, इसका तरीका यही है कि इसको हम अच्छे से एक बार कर लें। इससे क्या, कम मोयन में भी आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा खस्ता और अच्छी बन जाती है। ये सारा मिक्स हो गया देखिए अच्छे से। अब हम इसमें ये हमारा पेस्ट डालेंगे। अब पेस्ट डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि इसमें जितनी आपको आवश्यकता है उस हिसाब से डालिए। हो सकता है कि आपका टमाटर बड़ा हो या आपका आटा पानी कम सोखता है तो उसमें नहीं चाहिए हुआ, कम चाहिए हुआ, तो कोई बात नहीं, आप उसे बचा लीजिए, सब्जी में काम ले लीजिए, और बराबर हो जाता है तो दिक्कत ही नहीं है, जैसे हमारा आज बराबर है। लेकिन अगर कभी ज़्यादा कम हो तो आप परेशान मत होइए, या तो थोड़ा सा आटा और उसमें बढ़ा दीजिए, या फिर पेस्ट कम डालिए और इसको लगा लीजिए। इस तरह मसाला आटा इसका लगा के तैयार कर लेंगे। ये मैंने इसमें आधा चम्मच तेल डाल दिया, और इसको इसमें मैं अच्छे से रोल कर देती हूँ। इससे क्या होगा, ये एकदम स्मूथ हो जाएगा और हाथ में चिपकेगा नहीं, जैसे हम नॉर्मल पूड़ी के आटे को करते हैं उसी तरह से हमने ये हम करके तैयार कर दिया। ये हमारा रेडी। अब हम क्या करेंगे, इसको लिया, ये देखिए इसका हमने एक सिंपल सा ऐसे एक रोल तैयार कर लिया, और इसके हम ये छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। ये इस तरह हमने ये लोइयाँ तोड़ ली, और ये इस तरह हर एक को ये तैयार करके रख देंगे, और अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं।
अब हम उसमें से एक लोई लेकर उसमें थोड़ा सा तेल लगाया और देखिए अब उसकी एक पूरी बेल लेते हैं। जैसे हम नॉर्मल पूरी बेलते हैं ना, तो उसी तरह से हमें इसे बेलना है। न ज़्यादा मोटी ना ही ज़्यादा पतली, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की एक प्यारी सी पूरी हम बेल के तैयार कर लेंगे। ये हमारी तैयार हो गई। ये देखिए हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें धुआं आ गया है और अब हम ये पूरी इसमें डाल देंगे। ये हमारी अच्छी सी फूल जाएगी। ये पूरी ना फटाफट मस्त इतनी प्यारी सी फूल के तैयार हो गई। इस तरह से हम सारी पूरियाँ इसमें तलेंगे। अब ये गर्मा गर्म खाएं तो थोड़ी सी करारी निकालिए, और अगर आप थोड़ी देर बाद खानी है तो बस ये तैयार हो गई है। अब ये कड़क हो गई, कुछ सेकंड और रखिए ना, देखिए एकदम करारी पूरी फूली फूली ये तैयार है। बस इसी तरह हम दूसरी भी डाल देंगे। ये देखिए, और एक फुलाने का ये तरीका जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से इसको हल्के से इस झाड़ी से हल्का सा इसे दबाएंगे ना, हल्के हल्के उससे ये देखिए बढ़िया कचौरी की तरह फूल जाती है। देखिए प्यारी प्यारी कचौरियों की तरह ये पूड़ी हमारी तैयार हो गई। ये देखिए, ये मैं दूसरी भी निकाली। इस तरह हम सारी पूड़ी हमारी बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमारी हरी मिर्च और टमाटर की चटपटी पूड़ियाँ तैयार है, जो देखने में जितनी टेस्टी है सुंदर लग रही है ना, खाने में भी उतनी टेस्टी है और बनाने में तो कितनी आसान है, आपने भी देखा ही है। तो फिर देर किस बात की, इसी तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। और हाँ, बनाना भूलिएगा मत, जब भी मन हो चटपटा खाने का, फटाफट ये टमाटर की गर्मा गर्म पूरियाँ बनाइए, और इसके आप टमाटर की अचारी सब्जी के साथ खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगी, कच्चे टमाटर की अचारी सब्जी, इसका लिंक मैं इसके साथ दे दूँगी, उसके साथ ही बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और वैसे आप जिसके साथ चाहें इसे आप एंजॉय कर सकते हैं।